Hello student, good morning to all of you and welcome to the organic class. आज 12th class के ही chemistry को और आगे देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने दो नए रिएक्शन बताई थी लेक्चर 20 में, उर्ज रिएक्शन बताया था और फ्रैंकलिन रिएक्शन बताया था। दोनों ही बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन था और उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आई होप वह दोनों रिएक्शन जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने उसे समझा होगा और जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा, आप हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। यहां फिर से उस चीज को मैं एक बार डिक्टेट कर दूंगा, एक बार बता दूंगा, आपका जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट आपके पास रहेगा वह क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था उर्ज रिएक्शन, उसको तो हमने कई बार देख चुका था, लेकिन जो हमारे पास फ्रैंकलिन रिएक्शन था उसको बस हमने थ्योरी टाइप में देखा था, उस रिएक्शन को देखा था, लेकिन उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नहीं लगाया था। तो आज सबसे पहले हम लोग जो है उस चीज को, उसको पहले क्वेश्चन लगाएंगे उस पर। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन पे जो है पहले हम लोग आज उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करके लाइएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। और भी बहुत सारे इसमें नाम टाइप का रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही जरूरियात रिएक्शन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसको फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं। तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो आप पिछले मैं जो भी लेक्चर डालता है, जो भी यहाँ से लेक्चर अपलोड किया जाता है, मैं उसका कमेंट देख पा रहा हूँ और देखता भी हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, ये सवाल है कि जो ऑर्गेनिक क्लास है इसका कम बहुत कम टाइम में बताया जा रहा है, इसके लिए बहुत कम समय दिया जा रहा है। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी कारण है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे अपने पास, जब बैच हम लोगों का फॉर्म हुआ था तो उन लोगों को जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो नहीं बताया गया था, क्योंकि बैच जो है बहुत लेट से आई थी, उन लोगों में ऑर्गेनिक नहीं बताया गया था। तो अभी उन लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ, तो जिन लोगों को हम लोग 11th पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों को 11th का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया जा चुका है या बता चुके हैं हम लोग, उन लोगों को तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन जो लोग 11th का ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं, जिन लोगों ने नॉन क्लेचर नहीं देखा है, आइसोमेरिज्म नहीं देखा है, जिन लोगों ने जो है जो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों को जो है 12th की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत समस्या आ रही है। तो हम लोगों ने ये एफर्ट किया है, ये सोचा है कि 11th का भी जो लेक्चर है वह साथ में चले। 11th के लेक्चर में जो है ज़्यादा समय दिया जा रहा है और 12th के लेक्चर में जो है कम समय दिया जा रहा है। ड्यू टू दिस कि जो भी स्टूडेंट को, जिन सारे स्टूडेंट को 11th का ऑर्गेनिक नहीं मिला है, तो वह सबसे पहले जो हमारा 11th का ऑर्गेनिक का लेक्चर है उनको देख लें, फिर 12th का ऑर्गेनिक देखा जाए। इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी मैंने इसमें कम रखा है
और 11th का जो सिलेबस है वो जल्दी से खींचा जा रहा है, उसको जल्दी से पढ़ाया जा रहा है, ताकि जिन लोगों जिन स्टूडेंट को छूट चुका है, जिनका 11th का ऑर्गेनिक छूटा है, वो यहाँ से रिकवर कर सके। अब समस्या खड़ा ये हो सकता है कि अगर हम लोग इसको फास्ट लेके चलते हैं तो जो लोग 11th का ऑर्गेनिक नहीं देखे हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैंने स्लो किया है, इसका मैंने जानबूझ के किया है, और इसलिए कि जो जिनका 11th नहीं क्लियर है उसको मैंने मैं पहले 11th बता दूं, फिर 12th चलता रहे, ठीक है थोड़ा कम स्पीड से चलता रहे ताकि उन लोगों के लिए सहूलियत। और चूंकि हम लोग एक एक संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, एक कंडीशन है हम लोगों के साथ भी, हम लोगों को ये सजेशन है कि आप जो हैं थोड़ा सा 12th का ऑर्गेनिक कम स्पीड से पढ़ाइए और 11th को जल्दी खींचिए, ताकि दिन का छूट चुका है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, यहाँ से वह उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीजन है, ज़्यादा हमें उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हबड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बहुत स्पीड से भी निकाल सकता हूँ, बहुत तेज़ी से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबका कवर होता, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन हम लोगों का तो है नहीं। क्लास में रहता है तो थोड़ा सा 2-4 मिनट टाइम देके किसी स्टूडेंट को बता दिया जाता है, तो वैसे वैसे जिनका समस्या होता है क्लास में दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा करना संभव है क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा 12th को स्लो करके हम चल रहे हैं, जो 11th केमिस्ट्री है उसको जल्दी कर रहे हैं। तो जैसे ही वह 11th रिकवर होगा हम लोग पूरा अपने फुल टाइम के साथ पूरे स्पीड से चलेंगे, और ये जो है ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है, इसमें आप लोग आगे तक भी खुद से पढ़ाई कर सकते हो, फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ से देख के आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जिनको बहुत अच्छा से आ रहा है, जिनको बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है, वो आगे भी देख सकते हैं, आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं, फिर मैं यहाँ उसको पीछे से बताऊंगा तो आप वहाँ पे अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है वह आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, या इंस्टीट्यूट में फोन करके आप मेरा नंबर ले सकते हैं, वहां से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था, ये अपने पास होगा लेक्चर नंबर 21, लेक्चर 21, ठीक है। लेक्चर नंबर 21 या जो अपने पास यूनिट है, या हार्डली 14 से 15 क्लास में खत्म हो जाता है अगर पूरा पीरियड होता, पूरे टाइम का पीरियड होता, लेकिन हम लोगों का क्लास क्या है, हाफ चल रहा है, तो ऐसे लेक्चर चलते रहेंगे, और जैसे ही 11th का ऑर्गेनिक हम लोग रिकवर कर लेंगे, इसका जो है स्पीड हम लोग बढ़ा लेंगे और इसको पूरे फिर हम लोग स्पीड के साथ पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था फ्रैंकलैंड रिएक्शन, क्या बताया था, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्रैंकलैंड रिएक्शन को, तो मैंने इस रिएक्शन के बारे में बताया था कि यह जो रिएक्शन है यह एक अनसिमेट्रिकल रिएक्शन है, इसमें जो है अल्काइल हैलाइड का जो संख्या है वह इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मेट था RX प्लस ZN, यह रिएक्शन जो है जिंक की उपस्थिति में हो रहा था, फिर RX और यह रिएक्शन होता है हीट के उपस्थिति में, इसके उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है हीट के उपस्थिति में, तो हमें मिल जाता है R प्लस बाहर निकल जाता है ZnX2, क्या बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, ZnX2। अब देखते हैं यहां से बाहर क्या निकल जाता है, ZnX2। यह भी एक ऐसा रिएक्शन है हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड से हमें एल्केन बना के देता है, इस रिएक्शन के द्वारा हम अल्काइल हैलाइड से एल्केन में जा सकते हैं। ऊर्ज से भी यही काम था, लेकिन ऊर्ज जो था वह एक सिमेट्रिकल रिएक्शन था, लेकिन यह जो है एक अनसिमेट्रिकल रिएक्शन है। अब सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास यहां है CH3 Cl,
प्लस जेड एन प्लस सी एल सी एच थ्री विद द प्रेजेंस ऑफ हीट तो मिल जाता है। बाहर क्या होगा, जेड एन सी एल टू बाहर होगा क्या यहां से, यस, तो हमें मिल जाएगा सी एच थ्री। यहां पे हम अनइवन भी ले सकते हैं, सी टू एच फाइव ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, सी टू एच फाइव, तो हमें मिल जाएगा सी एच थ्री और सी टू एच फाइव प्लस बाहर निकल जाएगा जेड एन सी एल टू। क्या बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट, जेड एन सी एल टू। तो देखा जाए यहाँ पे एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है जहां पे कितना कार्बन है, एक, लेकिन यहाँ पे कितना कार्बन है, दो, तो ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है अनसिमेट्रिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, अनसिमेट्रिकल रिएक्शन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये हम लोग देखेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन, मिथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन। हमारे पास मिथाइल कहने का क्या मतलब है, हमारे पास एक कार्बन है और हमें बनाना कितना है, तीन कार्बन बनाना है। तो यहां पे हम उर्ज रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, यहां पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर एक से दो बनाना रहता, दो से चार बनाना रहता, तीन से छह बनाना रहता, चार से आठ बनाना रहता, तो वहां पे हम इजी वे में उर्ज रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहां भी बात आता है एक से तीन बनाना, एक से चार बनाना, दो से तीन बनाना, दो से पांच बनाना, तो उस केस में जो है हमको फ्रैंकलिन रिएक्शन ही अप्लाई करना पड़ता है, फ्रैंकलिन रिएक्शन को ही लगाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यह क्वेश्चन है हमारे पास CH3Cl दिया हुआ है और इससे हमको बनाना क्या है, इसे हमको बनाना है CH3, CH2 और CH3, ठीक है। यानी हमारे पास क्वेश्चन में एक कार्बन एटम दिया हुआ है, हमें चाहिए कितना कार्बन एटम, तीन, इट मींस यहाँ पे दो और जोड़ना पड़ेगा ना, सिंपल सा है क्वेश्चन, यहाँ पे तीन कार्बन हमें चाहिए और एक दिया हुआ है, कितना चाहिए, तीन कार्बन चाहिए, एक दिया हुआ है, तो तीन माइनस एक बराबर कितना हो जाता है, दो, यानी दो कार्बन जो है फ्रैंकलिन रिएक्शन के द्वारा हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं और उसे आराम से बना सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे बनाया जाएगा। CH3Cl किसके उपस्थिति में होता है, Zn के, प्लस वाट, यहां कुछ नहीं मैं दे रहा हूं, हीट की उपस्थिति में हमें बनाना क्या है, CH3, CH2 और CH3, यही ना है हमारे पास क्वेश्चन, है कि नहीं, यही है। तो हमें दिमाग लगाना है कि इतना मुझे लाना है और इतना हमारे पास है, तो यहां पे मैं क्या जोड़ूंगा कि ये मुझे मिल जाएगा। तो इसमें से अगर घटा दिया जाए CH3, कितना घटा दिया जाए, CH3 घटा दिया जाए क्या, तो अपने पास क्या बच जाएगा, CH3 और इसके साथ CH2, इतना अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा आसानी से। तो यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा, Cl और C2H5, Cl C2H5 को ऐसे चैन में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से बाहर क्या निकलना पड़ेगा, निकल जाएगा अपने पास ZnCl2 बाहर निकलेगा क्या, तो यहाँ पे बाहर क्या निकल गया, ZnCl2। क्वेश्चन बन गया क्या अपने पास, बन गया, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा सा इसका जो है सो फॉर्मेट याद रखना है और इसका जो मैं थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ उसको याद रखना है, यहाँ बाहर क्या निकल जाएगा, ZnCl2। अरे बात समझ में, फ्रैंकलिन रिएक्शन, तो ये होता है फ्रैंकलिन रिएक्शन।
एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, एक दो क्वेश्चन और आप लोग इस पर लगा लीजिएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है होमवर्क के रूप में, कन्वर्जन है, कन्वर्जन ही है आपको, कन्वर्जन बनाना है। पहला है CH3 CH2 Cl, इससे आपको बनाना है। देखिए Cl के जगह पे हम Br भी ले सकते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। X की बात की जा रही है तो X बराबर क्या ले सकते हैं, हम Cl भी ले सकते हैं और Br भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोमो हैलाइड से भी हम लोग एल्केन बना सकते हैं, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसे बनाना है हमें CH3 CH2 और यहाँ बनाना है CH3। दो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको कितना बनाना है, तीन कार्बन बनाना है। तो आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा कि तीन कार्बन आ जाएगा, ये आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर दो हमारे पास है CH3 Cl और इससे आपको बनाना है CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बनाना है CH3 CH2 Cl और इससे आपको बनाना है CH3 CH2 CH2 और CH3। चलिए देखिए यहां पे आपको दो से तीन बनाना है, एक से चार बनाना है, लेकिन यहां पे दो से चार बनाना है। क्वेश्चन नंबर चार देखा जाए, दो से चार बनाना है तो यह एक सिमेट्रिकल रिएक्शन पे आ सकता है क्या? तो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा फ्रैंकलिन रिएक्शन, इसमें भी अप्लाई होगा फ्रैंकलिन रिएक्शन, लेकिन यहां अप्लाई होगा उर्ज रिएक्शन, क्योंकि यह एक कन्वर्जन जो है या एक सिमेट्रिकल कन्वर्जन है। दो से चार बनाना है तो वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान है, आसानी से बन सकता है, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो उस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको भी बना लीजिए और फिर आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बन रहा है तो बताइएगा कमेंट के द्वारा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको चलिए अब जो रासायनिक अभिक्रिया था अपने पास, रासायनिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोल रहे हैं रासायनिक गुण, उसमें पहला रिएक्शन था हम लोगों के पास उर्ज रिएक्शन, क्या था उर्ज। दूसरा जो रिएक्शन था वह था फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब तीसरा जो रिएक्शन है वह है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग जो है इस रिएक्शन का नाम है, फिटिंग रिएक्शन, रिएक्शन के ही नाम से यह आता है फिटिंग रिएक्शन। एक और बात, उर्ज रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है यह अल्काइल हैलाइड के लिए ही उपयोगी होता है, इसका उपयोग जो है हम लोग एराइल हैलाइड के साथ नहीं कर सकते हैं, एराइल हैलाइड के लिए यह रिएक्शन फिट नहीं बैठता है। तो ध्यान होना चाहिए कि जहां भी हम रिएक्शन लगाएंगे, उर्ज की बात की जा रही हो या फ्रैंकलिन की बात की जा रही हो, तो हमें तुरंत वहां पे डिटरमाइन हो जाना है कि या कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड के बारे में बात किया जा रहा है, एराइल हैलाइड के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो अब जो थर्ड रिएक्शन है इसके अंदर, थर्ड रिएक्शन जो है यह है फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है, फिटिंग रिएक्शन, और यह रिएक्शन होता है एराइल हैलाइड के लिए। इसके लिए यह रिएक्शन होता है स्टूडेंट, एराइल हैलाइड के लिए। किसके लिए होता है, एराइल हैलाइड के लिए। तो देखते हैं यह रिएक्शन क्या कर रहा है। यह है हम लोगों के पास बेंजीन रिंग, क्या है बेंजीन रिंग,
और इसके साथ एक जुड़ गया क्लोरीन, क्या जुड़ गया क्लोरीन, तो इसको हम बोल सकते हैं एराइल हैलाइड, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एराइल हैलाइड या क्लोरो बेंजीन, क्या बोल सकते हैं क्लोरो बेंजीन, ठीक है, दिख रहा है सभी को, इसका रिएक्शन कराया जाए सोडियम के साथ, किसके साथ कराया जाए सोडियम के साथ, Cl, फिर एक मोल मैंने ले लिया एराइल हैलाइड, ठीक है, यह रिएक्शन भी होता है शुष्क इथर की उपस्थिति में, ड्राई इथर को मैं लिख रहा हूं DE, क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट DE, तो यहां से बाहर निकल जाता है 2NaCl, क्या बाहर निकल जाता है 2NaCl, तो यहां सबसे पहले बाहर क्या निकाल दिया जाए 2NaCl, और यहां मिल जाता है बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड, और फिर इससे जुड़ जाता है बेंजीन रिंग, इसका नाम होता है डाइफेनाइल, क्या नाम होता है स्टूडेंट डाइफेनाइल, तो जब किसी एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो डाइफेनाइल की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट डाइफेनाइल प्लस बाहर क्या निकल जाता है हमारे पास 2NaCl, क्या बाहर निकल जाता है 2NaCl बाय प्रोडक्ट के रूप में, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है फिटिंग रिएक्शन, क्या बोला जाता है फिटिंग रिएक्शन, तो इसके डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हिंदी में चला जाए इंग्लिश भी आसान है इसका, जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क इथर की उपस्थिति में शुष्क इथर की उपस्थिति में जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क इथर की उपस्थिति में शुष्क इथर की उपस्थिति में आवाज आ रहा है होती है तो डाइफेनाइल प्राप्त होता है, डाइफेनाइल प्राप्त होता है, इसे इसे फिटिंग रिएक्शन, इसे फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, क्या लिखा हमने, जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क इथर की उपस्थिति में होती है तो डाइफेनाइल प्राप्त होता है, इसे फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूरी रिएक्शन है, इसको लिख लिया जाए, और लिखने के बाद डेफिनेशन लिखने के बाद इसको आप लोग लिख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसका एप्लीकेशन आता है जो मैं अभी बता देता हूँ, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये अपने पास था फिटिंग रिएक्शन।
देखिए एक चीज है यहाँ डाइफेनाइल, इसको किसी किसी बुक में आपको बाइफेनाइल से भी मिल जाएगा, बाइफेनाइल भी लिखा जाता है और डाइफेनाइल भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर किसी बुक में मिल रहा है तो। इजी वे में इसको डाइफेनाइल भी बोला जा सकता है और बाइफेनाइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है। अब देखिए उर्ज रिएक्शन जो था वह हमें केवल और केवल एलिफैटिक कंपाउंड बना के दे दिया, लेकिन फिटिंग रिएक्शन जो है या एरोमेटिक बना के दे दिया। अब एक ऐसा रिएक्शन मिलेगा जो एलिफैटिक और एरोमेटिक मिक्स कंपाउंड हमें बना के देगा, उसको भी हम लोग देखते हैं अभी नंबर चार में, चार नंबर रिएक्शन के अंदर। उसको बोला जाता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या बोला जाता है? उर्ज फिटिंग रिएक्शन। चलिए अब नंबर चार में हम लोग देखते हैं, हमारे पास है ऊर्ज, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या है स्टूडेंट? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। देखिए ऊर्ज जो है यह हमें एल्केन बना के देता है और फिटिंग जो है यह हमें एलिन बना के देता है। अगर दोनों को हम एक जगह रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्केराइल कंपाउंड मिल जाएगा जिसमें एल्केन भी होगा एलिन भी होगा, यानी जिसमें एलिफेटिक भी होगा और एरोमेटिक भी होगा, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए CH3 और यहाँ आ गया हम लोगों के पास CF। क्या आ गया? CH3 CF, यह है अल्काइल हैलाइड। क्या है? अल्काइल हैलाइड है कि नहीं? इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया जाए स्टूडेंट? सोडियम के साथ। फिर मैंने ले लिया Cl और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने बेंजीन के साथ। यह है एराइल हैलाइड। आवाज आ रहा है? क्या है यह? एराइल हैलाइड। यह रिएक्शन भी होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, DE के उपस्थिति में, तो यहां से बाहर हो जाता है स्टूडेंट। टू NaCl, क्या बार हो जाता है? टू NaCl और बेंजीन रिंग के ऊपर जो है आके बैठ जाता है CH3। क्या बैठ गया? CH3। तो यह क्या बता रहा है हमको कि यह एक एलिफेटिक है और रिंग कैसा है? एरोमेटिक है, तो यह एक मिक्स कंपाउंड बन के आ जाता है जिसको बोला जाता है एल्केराइल, एल्केराइल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है यह? एल्केराइल कंपाउंड है जिसमें एल्केन भी है एरिन भी है, और इस कंपाउंड का नाम होता है टॉलिवीन। क्या नाम होता है? टॉलिवीन। टॉलिवीन प्लस बाहर निकल जाता है 2NaCl। क्या बाहर निकल जाता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में 2NaCl। तो फिटिंग कहने का क्या मतलब है? या एराइल हैलाइड जुड़ेगा, और उर्ज कहने का मतलब है या अल्काइल हैलाइड को जोड़ेगा। तो अगर दोनों को मैंने एक साथ रख दिया तो दोनों एल्केराइल कंपाउंड बना के दे देते हैं जिसको बोला जाता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जब जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया
सोडियम के साथ जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ सोडियम के साथ तथा सोडियम के साथ तथा एराइल हैलाइड के साथ सोडियम के साथ तथा एराइल हैलाइड के साथ एराइल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्केराइल कंपाउंड कहने का क्या मतलब है यौगिक एल्केराइल कंपाउंड प्राप्त होता है अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हमने कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ एराइल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो एल्केराइल कंपाउंड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? फिटिंग रिएक्शन बोला जाता है। अब देखिए आपके पास अल्काइल हैलाइड है और आपको एराइल एल्केराइल दोनों मिलान बनाना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? फिटिंग रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास एराइल हैलाइड है और एल्केराइल बनाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो उस केस में भी आपको वुड्स फिटिंग रिएक्शन ही अप्लाई करना है। यानी इसका जस्ट अपोजिट यहाँ ये लिख सकते हैं और यहाँ ये लिख सकते हैं। दोनों ही केस में प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहला फिटिंग रिएक्शन, दूसरा फ्रैंकलिन रिएक्शन और तीसरा हो जाता है हमारे पास ओर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के बीच में हम लोगों ने देखा है तो ओर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ओर्ज फिटिंग रिएक्शन, देन फिटिंग रिएक्शन। टाइम हो गया है? कितना हो गया? तो ठीक है, आज का टाइम जो है वो लेफ्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो हमें याद रखना है कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन का डिस्कशन हम लोग किए थे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग देने के बाद या एक एग्जांपल लिखिए, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड, ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए।